मोदी जी की सरकार के द्वारा जनता के हित में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही, जिससे जनता का विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर करती है। उसी जनविश्वास यात्रा को लेकर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर हम सब भारतवासियों को गौरव बढ़ाने का काम किया, हमारे बीच में अपना संबोधन देने के लिए आ रहे हैं और उन्हीं की तैयारियों में हम सब लोग यहाँ पर निकले हैं। कल किस प्रकार का लोगों में उत्साह रहेगा इस यात्रा को लेकर? देखिए, आप स्वयं कल इस विशाल रैली का, ऐतिहासिक रैली का, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे जनपद में इस प्रकार की रैली पिछले कभी नहीं हुई होगी। ऐसे लाखों लोगों का उत्साह हमको कल दिखने के इस मैदान में मिलेगा। स्वतः लोग तैयारी अपने स्तर से कर रहे हैं, ना साधन की आवश्यकता पड़ रही है, ना किसी प्रकार की और व्यवस्था करने की पड़ रही है, अपने आप लगाने को देखा। कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, साइकिल अगर एक्सीडेंट होता है या मरते हैं तो उनको बीमा दिया जाएगा, क्या बोलिए? देखिए, बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला बयान है। हमारी योगी जी की सरकार में पहले से ही ये योजना चल रही है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो 5 लाख रुपया सरकार देगी। अब चाहे वो सांड के मारने से दुर्घटना हो, चाहे वो साइकिल के टक्कर मारने से हो, चाहे वो ट्रक के मारने से दुर्घटना हो, चाहे पानी के डूबने से दुर्घटना हो, चाहे सांप के काटने से दुर्घटना हो, सारी दुर्घटनाओं में हम पहले से 5 लाख दे रहे हैं। ये कौन सा नया काम करने की घोषणा करके मेरी समझ में नहीं आया। अब अखिलेश जी स्वयं जानते हो कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की टक्कर मारने से जो खत्म होगा उसको 5 लाख देंगे, या उनके सांडों के द्वारा टक्कर मारने से? अब उनकी अपनी व्यवस्था है, वो उससे बता। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो कन्नौज में पैसा पकड़ा गया है, कन्नौज में और कानपुर में, वो बीजेपी के लोग हैं। देखिए, ये जांच का विषय, मैं इस विषय में इतना कह सकता हूँ कि जो लोग पकड़े गए हैं वो इधर के व्यापारी थे, वो इधर की शीशियाँ समाजवादी पार्टी के लोग द्वारा ज़्यादा बांटी जा रही थी। मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही फिलहाल कह सकता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि कल की रैली में जो दुर्घटनाएँ हुई या घटनाएँ हुई, हमने सुना है जैसा कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए। तो मैं अभी एक पत्रकार बंधु से बात कर रहा, तो मैंने इस बात को कहा था कि जिस प्रकार का नेता होगा उसको सुनने के लोग भी उसी प्रकार के आएंगे। टोटी चोरियाँ जिस प्रकार से हुई, ये पूरे प्रदेश में प्रचलित है, तो लोगों को उनसे हुनर सीखने को मिलता है, लोगों को अपनी भी गतिविधियाँ दिखाने का अवसर मिलता है कि हो सकता है हम ऐसा करें तो नेता की नज़र में आ जाए, हमको भी टिकट विकट कहीं से मिल जाए। ऐसे लोग सुनने के लिए आते हैं। अभी किसी संत का कार्यक्रम कराए तो देखिए, संत के लोग आएंगे। अभी देखिए, नंदन जी की कथा हुई थी, एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी बेमानी हुई, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, हज़ारों लाखों लोग थे वहाँ पर। अभी आप मुख्तार अंसारी की सभा करा दें तो पूरे प्रदेश का क्रिमिनल सुनने के लिए आ जाएगा। तो अखिलेश जी की सभा में अगर चोरी करने वाले लोग आए तो उनके अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उनको मारने वाले लोग हैं। अपनी दिहाड़ी का नुकसान ना हो, इस दृष्टि से भी उन्होंने काम किया और अखिलेश जी के आगे अपना हुनर